वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे आंवले का अचार बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें ना आंवले को उबालना है ना ही अचार को धूप में सुखाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, मैंने लिया है 500 ग्राम आंवला। ये एकदम फ्रेश आंवला है, इसको मैंने धो करके और पोंछ लिया है अच्छे से। और ये आंवला हमें मीडियम साइज का लेना है। और इसमें कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए, अगर कोई दाग है तो उस आंवले को निकाल लें। और इधर देखिए, मैंने गरम किया है एक कढ़ाई और उसमें हम कुछ मसाले भूनेंगे। दो बड़ा चम्मच है मैंने धनिया का बीज लिया है, एक बड़ा चम्मच लिया है जीरा और एक बड़ा चम्मच ही लिया है सौंफ, एक टीस्पून लिया है यानी छोटा चम्मच मेथी और एक चम्मच ही लिया है मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इसको हम भून लेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मसाला भून चुका है। इधर देखिए, मैंने कढ़ाई में डाला है 150 ml राई का तेल। राई के तेल में अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वैसे आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जो आप तेल खाने में यूज़ करते हैं वो तेल आप यूज़ करें। इसमें हम आंवले को फ्राई करेंगे। आप ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। और ये मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इनको चेक कर लेंगे, हाँ पक चुके हैं आंवले। इनको बहुत गलाना नहीं है। और अभी इसमें डाल देंगे हल्दी एक चम्मच, मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा डाल दिया है एक टीस्पून के जितना अजवाइन और एक टीस्पून के जितना नाइजेला सीड्स यानी मंगरेल। और अभी डाल देंगे ग्राइंड किए हुए मसाले। मिक्स कर देंगे अच्छे से। यह अचार बहुत ही जल्दी से तैयार होता है। और स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें अचार में। और अभी डाल देंगे एक टेबल स्पून के जितना रेड चिली पाउडर। अभी मैंने गैस से उतार दिया है पैन को और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे।
और अभी देखिए ये ठंडा हो चुका है। आंवला मसाले और तेल से पूरी तरह से अच्छे से कोट हो चुका है। देखिए अभी इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच विनेगर। मैंने व्हाइट विनेगर का यूज़ किया है, इससे अचार खराब नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इधर लिया है मैंने जार, इसको धो करके पोंछ लिया है अच्छे से। इसके अंदर हम अचार को भर देंगे। जार को मैंने भर दिया अच्छे से और मैंने अलग से भी तेल गरम करके ठंडा किया था, उसको भी डाल देंगे ऊपर से। इस तरह से टोटल मैंने 200 ml राई का तेल यूज़ किया है इस अचार में। ये देखिए, और थोड़ा सा बच गया इधर, इसमें भी तेल डाल देंगे। ये अचार बनाने में जितना ही आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।